सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज खबर मुंबई से है। मुंबई के भयंदर में सोसाइटी में बकरे लाने पर विवाद। कुर्बानी के लिए सोसाइटी में दो बकरे लाया था ये परिवार और सोसाइटी ने परिसर में बकरे लाने की नहीं दी थी अनुमति। बकरे लाने पर स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ। बोला अगर सोसाइटी ने मना किया आप नहीं लाओगे। हमने एमबीएम से ही बात करी, हमने पुलिस में ही बात करी है, तो गलत चीज के ऊपर बात नहीं करना। कल रात का तुमने गाली दिया कैसे? तुमने गाली कैसे दिया लोगों माँ बहन की? तुमने गाली क्यों दिया? वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। तुम माँ बहन की गाली कैसे दिया? तुम माँ बहन की गाली कैसे दिया? तुम माहौल खराब क्यों कर रहे हो? तुम माँ बहन के हमारे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, प्रूफ है। तुम माँ बहन की गाली दिया? तुम माँ बहन की गाली दिया? क्यों दिया गाली? हम तो प्यार से बात कर रहे हैं। गाली माँ बहन की क्यों दिया? माँ बहन की गाली यहाँ देने आए हो? माहौल खराब कर रहे हो? बराबर सही बात है। बकरा हम लोग ला रहे हैं। हाँ, कानून 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 मंत्री घर में बकरा लेके आ रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस पर आरोप लगाए, पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की की खबर है। सोसाइटी में हनुमान चालीसा का वीडियो वायरल। देर रात तक सोसाइटी में बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हुई। यहां पर पुलिस भी मौजूद रही। और इस हंगामे के बाद लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। देखिए पुलिस वहां मौजूद। पुलिस जब वहां पर पहुंची उसके बाद भी यह विवाद रुका नहीं, धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद यहां पर जमा लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो बकरे लाने पर यह विवाद शुरू हुआ जिसमें बीच में पुलिस भी आई, लेकिन मामला शांत नहीं हो पाया। सोसाइटी में बकरे लाने को लेकर यह सारा मामला सामने आया। और सोसाइटी में बकरा लाने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। लिफ्ट के जरिए दो बकरे लेकर परिवार आया। सोसाइटी का आरोप जबरन लाए गए बकरे, सोसाइटी प्रबंधन ने नहीं दी थी बकरे लाने की इजाजत। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लिफ्ट के जरिए ये दो बकरे लाए गए थे। सोसाइटी ने आरोप लगाया कि जबरदस्ती ये बकरे लाए गए। राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, ये विवाद क्या थम गया है या फिर इस मामले में आगे पुलिस ने कोई एक्शन भी लिया है? हुआ क्या था? बकरे लाने की अनुमति नहीं थी फिर भी कैसे बकरे सोसाइटी में आ गए? देखिए सबसे पहले तो आपको रवि अपने दर्शकों को जानकारी दे दे कि पुलिस ने जो बकरा परिवार लेकर आया था, बकरे को उन्होंने सोसाइटी से निकाल दिया है, बकरे को जब्त कर लिया है, क्योंकि बकरे की वजह से ही सारा विवाद उठ खड़ा हुआ था और सोसाइटी ने इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी थी। उसके बावजूद परिवार जिस तरह से बकरे को लेकर सोसाइटी में पहुंचा, उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ और पुलिस चाहती तो इस मामले को सुलझा सकती थी, क्योंकि शाम 6 बजे के करीब पूरा विवाद शुरू हुआ था। उस दरमियान भी पुलिस को सोसाइटी के लोगों ने जानकारी दी कि सोसाइटी प्रबंधन ने, कमेटी ने इसकी इजाजत नहीं दी है, उसके बावजूद एक परिवार दो बकरे लाकर सोसाइटी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पूरा मामला रात लगभग 11 बजे के आसपास में पुलिस भी जब वहां पर दोबारा पहुंची, पुलिस की कई गाड़ियां पहुंची, अधिकारी पहुंचे, इस बीच में धक्का मुक्की शुरू हुई, गाली गलौज शुरू हुआ और दोनों पक्ष के लोग बड़ी संख्या में हजारों के लोगों की भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से पुलिस पहुंची और उसके बाद में लोगों के बीच कहा तो नहीं, फिर पुलिस ने बल प्रयोग किया लोगों को पीछे करने के लिए, दोनों ही पक्ष के लोगों को अलग अलग किया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेग्लिजेंस का मामला दिखाई दे रहा है। अगर शुरुआत में शाम 6 बजे के करीब पुलिस इस पूरे मामले को टैकल कर लेती तो शायद इतना बड़ा विवाद नहीं होता था। फिलहाल दोनों ही पक्ष के लोग जो है इस वक्त पुलिस थाने में मौजूद है। दोनों ही पक्ष के लोगों को लाया गया है। पुलिस कागजी कार्रवाई जरूर कर रही है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को अब जो है किसी तरह का कोई कम्युनल रंग ना ले, विवाद ना बढ़ा हो, इसलिए दोनों ही पक्ष के लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुलिस का जी रवि ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।